नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणिल विक्रम नायर, मुंबई कांग्रेस का उपाध्यक्ष। पर आज आपके बीच में एक कांग्रेसी नेता या कार्यकर्ता के रूप में नहीं आया हूँ, बस आज एक हिंदुस्तानी और मुंबईकर से ज़्यादा मैं एक ईशान्य मुंबई के एक रहवासी हूँ, जो मानकुट से लेके मुलुंड थाना तक पहुँचती है, वहाँ का एक निवासी हूँ। उसी सिलसिले में आज आपके बीच में आऊँ। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं और जिसके ऊपर मैं फॉलोअप भी ले रहा हूँ कि विक्रोली के बाद वो गांधीनगर जो सिग्नल है हमारे हाईवे पे, वो 1.5 मिनट का रास्ता है, जिसके लिए आज हमारे लाखों रहवासियों को जो आना जाना करते हैं 2-2 घंटा लगता है। और इसके ऊपर हमने पत्र व्यवहार किया था हमारे जिला अध्यक्ष ने, और सारे जितने भी एजेंसीज है, ट्रैफिक हो या लोकल बॉडीज हो, सांसद हो, सभी को एक निवेदन दिया था कि इसके ऊपर हमें पहला ही काम कर लेना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन इस मामले में कोई गंभीरता लेती है। 2 दिन से मैं स्वयं वहाँ पर खड़ा भी था और देखा कि क्या हाल हो रहा है लोगों का, क्योंकि 1.5 मिनट का रास्ता और एक कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आपको पता था कि आपको ब्रिजेस का काम करना है, बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए, और इसके लिए मैंने इस अपडेट्स डाले थे फेसबुक में, तो बड़ा एक शॉकिंग बात आ गई कि कई लोगों ने कमेंट्स किया कि प्रणिल भाई आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, और आपकी सरकार नहीं कर रहे। अरे सरकार नहीं कर रहे तो हम मुख दर्शन लेके बैठे, हम वो भक्त बने जो गलत काम हो रहे और हम चुपचाप सहे। प्रणिल नायर कभी मोहताज नहीं रहा किसी बात का। मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, किसी की भी सरकार हो, सबसे बड़ी सरकार हमारे नागरिक होती है, सबसे बड़ी सरकार हमारी जनता होती है, उनसे बड़ा कोई सरकार हो सकती है क्या? और मैं आप लोग सबसे कहना चाहूँगा, बिल्कुल हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार है, लेकिन अगर कोई नाकामियां हैं तो कहना बहुत जरूरी है। और जिस लोगों ने आज आपको वहां पर बिठाया और 2-2 घंटा से 1.5 मिनट का रास्ता क्लियर करने के लिए उनको लगता है, तो कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सांसद, कहाँ है विधायक, कहाँ है मंत्री? आदरणीय आदित्य जी, आप यहाँ के पालक मंत्री हो और कई दिनों से देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, रात को आप दौरा कर रहे हो, रास्ता देख रहे हो, नाला देख रहे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया करके 24 तारीख से पहले, अगर तब तक ठीक हो तो अच्छी बात है, 7 बजे विक्रोली से लेके कभी कृपया कर कांजूरमार्ग तक पहुंचने की, जहां हमारे मेट्रो का शेड बना है, आप 2-3 बार आके गए, कोशिश कर लिए वहां पहुंचने को, तो आपको पता चलेगा। विधायक है वहां पर, सांसद मनोज जी आप कहां पर हो? जवापड़ापण बोलते कि ये मुंबई आप देख ही रहे हो मुंबई के लिए, कभी मुंबई टूटना, कोई बोलता है मुंबई आमचे बापाची, कोणाती मुंबई वेगळ्यांची आहे, मुंबई टूटणार नाही, कॉर्पोरेशन आ गया तो। अरे आप लोग नागरिकों से मैं कहना चाहता हूँ, सारे वोटर से कहना चाहता हूँ मैं, ये 2 घंटा भूलिए मत। आप जो ट्रैफिक के अंदर 2-2 घंटा देते हो, उसको बिल्कुल भूलिए मत। कॉर्पोरेशन के टाइम आपको याद रखना है, कोई भी हो, मेरी पार्टी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, राष्ट्रवादी हो, अगर आपका नुमाइंदा काम नहीं करता, आज ठीक है, हमारा कॉर्पोरेटर से आपने नकार दिया, विधायक से अपना नकार दिया, पर जिसको चुन के दिया उनका दायित्व क्या बनता है? 2-2 घंटा? अरे कोणाच्या नावावर आपण मत मागणार, कोणाकडे विचारणार, कोणाला बोलणार? मग 6 महिने मी ऑक्टोबर मध्ये आम्ही परत येणार, आणि मग आमचं प्रतिष्ठा आहे, आमची मर्यादा आहे, आम्ही काय करू शकणार नाही। महाविकास आघाडी आहे, याला विचार लागतं, त्याला विचार लागतं, पण विचारून तुम्ही मतदान घेत नाही ना साहेब, आपण मागून मतदान घेतोय। तर माझं निवेदन आहे प्रत्येकाला, और सरकार है, ठीक है, सरकार हमारी है, पर आई एम नॉट ए भक्त। अगर कोई भी सरकार हो, उनका काम होता है करने का, 2-2 घंटा हम हमारे नागरिकों का और ईशान्य मुंबई के नागरिकों का मतदान के लिए जाओगे ना? आपने सांसद के लिए वोट मांगे, यही लोगों से आपने वोट मांगा है, और मतदान भी ऐसे हम कहाँ उलझे हुए हैं? मैं उसके ऊपर आऊंगा अगली वीडियोस में कि हम कहाँ उलझे, देश कहाँ उलझे है, मुंबई कहाँ उलझी है। रस्ते देखो, नाला देखो, अभी भी गटर वाटर मीटर के ऊपर हम कॉर्पोरेशन 60 साल के बाद, 70 साल के बाद इसके ऊपर कॉर्पोरेशन लड़ते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ, वन साइड है, आप ओपन कर लीजिए, आपके ट्रैफिक पुलिस खड़े रह के वहां जो रॉन्ग साइड आते हैं उनको चलान कर रहे हैं, वाह रे मेरी प्रशासन आपकी, 2-2 घंटा रुको, अगर कोई आदमी सीरियस होता है एम्बुलेंस रुकी जाती है। इसलिए मैंने लिखा था किसी मंत्री को भेजो, 2 मिनट में क्लियर होगा ये। तो सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन, कृपया करके बंद करो ये छल, बंद करो जो लोगों के ऊपर है। धन्यवाद।